वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी सात संगत जीओ, मैं आप जी दे सामने सिमरन दी जड़ी विधि है ओ फिर तो दसना चाहता। इदे विच इंसान दे या मनुख दे अंदर वेगस नर्व रहिंदी है। वेगस नर्व जड़ी है वो हर बॉडी पार्ट तो इंटर कनेक्टेड है और ओदी एक वेगल टोन होंदी है। वेगल टोन दे उत्ते नियंत्रण करन वास्ते एक टेक्निक बनी हुई है। वो टेक्निक युगा युगा तो चल रही है। गुरु साहब ने वाहेगुरु मंत्र जिहड़ा दस्या सिखा नूं ओ इस आधार ते डिजाइन कीता है या बनाया है ताकि अंदर वेगल वेगस नर्व जेड़ी है वो वेगल टोन सेट हो जावे ताकि मनुख दी स्पिरिचुअल या थर्ड आई है वो जागृत हो जाए और सारे चक्रा जागृत हो जाए। वेगस नर्व दा एक किनारा मिड ब्रेन है, वो लास्ट किनारा रूट चक्रा तक जांदा है। इसनू हिंदी विच वज्र नाड़ी भी आखदे ने क्योंकि नाड़ी बड़ी घुमावदार है और अंदर हर पार्ट्स नू इंटरकनेक्ट कर दी है। जितने भी साढ़े अंदर लीवर है, स्प्लीन है, किडनी है, सारी जगह उदी ब्रांचेस जड़िया हैगिया ने उदे नाल कनेक्टेड जितने भी ऑर्गन है। ये जड़ा गला है इस पासों निकल रही है और मिड ब्रेन दे अंदर जा रही है। इदा कम की है कि जितने भी अंदर ऑर्गन्स हैं ओना नू सप्लाई करना, नाले सिग्नल जड़े हैगे ने उन्हां नू पास करना ऑर्गन टू ब्रेन एंड ब्रेन टू एवरीवेयर। ये इस दा मुख काम हैगा। साढ़े ब्रेन दे अंदर न्यूरॉन सेल हैगे ने, न्यूरॉन रिसेप्टर हैगे ने, ते न्यूरॉन ट्रांसमिटर, हर टाइप दी चीज़ां जिहड़ियां हैगियां ने हैगियां। ब्रेन दे दो पोर्शन हैं, एक राइट पोर्शन है, एक लेफ्ट पोर्शन है। लेफ्ट पोर्शन जिहड़ा है वो कॉन्शियसनेस या एक्टिव पोर्शन कहलांदा है। राइट पोर्शन जिहड़ा है वो सबकॉन्शियस या हमेशा एक्टिव नहीं रहेगा लेकिन सबकॉन्शियसली सारा काम जिहड़ा है वो होंदा रहिंदा है। शरीर जिहड़ा 80% साडा शरीर आटोमैटिक कंट्रोल ते है। जिस तरह मैं साह लै रहा छड़ रहा ये आटोमैटिक हो रहा है। हार्ट जिहड़ा अंदर चल रहा है और जितना भी उहदे ब्लड दे काम हो रहे ने जगह जगह पहुँच रहा है वो आटोमैटिक हो रहा है। वो सारा कनैक्शन जिहड़ा इस टाइप का जिहड़ा आटोमेशन ते है ते ओ करण वास्ते सबकॉन्शियस ब्रेन दे अंदर सारे मैकेनिज़म बने हुए ने। कॉन्शियसनेस जिहड़ा ब्रेन है कोई गल असी जिस तरह सुनते हाँ फिर उसका जवाब देने हाँ, ये बुद्धि का कम, मन का कम और मत का कम है। और जिहड़ा सारा दिन असी वेखते रहते हैं कि शरीर की कर रहा, मन की कर रहा है, वो सुरत का काम हैगा। महाराज ने बाणी लिखिया है
तिथे कड़िए सुरासित धाकी सिद्ध, तिथे कड़िए सुरत मत मन बुद्ध। चार चीज़ा जेड़िया ने घड़न वास्ते दसिया ने, एक हैगी सुरत, दूजी मत, तीजा मन, चौथी बुद्ध। ये चारा का कनैक्शन जेड़ा हैगा, जेड़ा साडा लैफ्ट ब्रेन है ते वेगस नर्व है, इना दे नाल इदा कनैक्शन हैगा। तो इन्हों जी भी चीज़ है एक्टिविटी वो कंट्रोल करना वेगस नर्व का काम हैगा। सुरत का काम जेड़ा हैगा वो ध्यान लगाना है। मत का काम जेड़ा, मत विच ज्ञान भरिया होया है, उस हिसाब नाल बंदा काम करता रहिंदा जेड़ा उहदे विच मत भरी हुई है, ज्ञान भरिया होया। जे गुरमत है तो गुरमत अनुसार काम करेगा, जे मनमत है तो उस हिसाब नाल काम करेगा। बुद्धि जड़ी है फैसला देंदी है, वो मन जड़ा है वो फुरने फुरांदा रहिंदा हैगा। मन विच फुरने मत दे अनुसार चलदे ने, मत चंगी होएगी तो फुरना भी चंगा आएगा, मत यदि मलीन होएगी तो फुरना नेगेटिव आएगा। इस करके मत मन बुद्ध सुरत, सुरत एक शुद्ध चीज़ हैगी, वो हमेशा शुद्ध ही रहती है, लेकिन सुरत जड़ी है बंद पई रहती है नॉर्मली। उसे नू खोलन वास्ते या उसे नू शार्प करन वास्ते गुरु साहब आदेश कर रहे ने जपजी साहब विच कि चार चीज़ां नू घड़ो और घड़ के उसनू शार्प करो, तेज करो। लेकिन ये सारी गल्लां नू कैटेगरीकली समझ के आपां सिमरन नू और वेगस नर्व नू करना हैगा। हुण गुरु साहब ने जड़ा वाहिगुरु गुरमंत्र दिता है उहदे विच इस तरह दी शब्द दा उच्चारण करना सानू करैक्टली, ताकि वेगल टोन जड़ी है वो बराबर चले और जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो करैक्टली अपने आप फिर चलन लगनगे, क्योंकि उहदी सप्लाई जड़ी है वेगस नर्व दे हाथ विच रहिंदी है, वो सप्लाई जड़ी है फिर बराबर चलेगी, सिग्नल बराबर अप डाउन होंगे, बिरती सुरती जड़ी है लग जाएगी और हर चीज़ मेडिटेशन डीप होएगा और इतना डूगा होएगा कि मनुख जड़ा समाधि तक जाके अपना समाधान भी ले लेगा और दसम द्वार विच उसनू दर्शन भी होंगे अपने आत्मा दे। इस गल नू समझाण वास्ते मैं वीडियो पा रहा है, तुसी समझ लो कि वेगल टोन नू किस तरह सैट करना। वाहिगुरु साहब ने, गुरु साहब ने किस तरह वाहिगुरु मंत्र जेड़ा दस्या है वो यूनीक है, वो यूनिवर्सल है, वो आदिकाल तो जेड़ी टेक्निक चली आ रही है उससे दे उत्ते आधारित हैगा। की उहदा बेस हैगा, साइंटिस्टा ने पता लगाया कि वेगल टोन नू सैट करन वास्ते सानू जेड़ा पहले जिस तरह असी हवा या सा बाहर भी सटते हैं फिर बाहरों अंदर भी लेने, ये जेड़ा क्रम हैगा ये आटोमैटिक है, ये चलता रहेगा, तुसी नहीं चलांदे, लेकिन तुहानू इसनू समझ के फिर अपना जेड़ा गुरु मंत्र बोलना हैगा, फिर बोलन नाल जेड़ा हैगा सारी चीज़ां अपने आप सैट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। हुण मैं दस रहा हाँ कि वाहे गुरु, वाहे एक हैगा फिर हे एक हैगा फिर गुरु जड़ा है वो दोहें मिला के एक हैगे ने, मतलब वाहे गुरु नू त्रै जगह डिवाइड किया, एक वाह एक हे तीजा जड़ा है वो गुरु। गुरु विच दो हैगे ने अल्फाबेट, एक गा एक रा, लेकिन उन्होंने एट ए टाइम बोलना हैगा, गुर वाह हे गुर वाह हे गुर, इस तरीके नाल उसनु त्रै हिस्सों भी डिवाइड करना। हुण जब मैं वाह बोल रहा हाँ
वाह, ते मेरी जीभ ना उत्ते जा रही ना हेठा जा रही, वो विचकार है, हवा जड़ी है बाहर आ रही है। वाह, हुण मैं हे बोलांगा, हे। इस वेरी भी जड़ी हवा जड़ी है बाहर आई है, वाह विच भी हवा बाहर आई है, हे विच भी, क्योंकि गुरु साहब ने सेटिंग इस तरह की कीती है कि कोई भी मनुष्य जिन्हें विज्ञान का नहीं भी ज्ञान है, वो यदि करेक्टली वाहिगुरु प्रोनाउंसिएट करेगा तो ऑटोमेटिकली ओदी टोन जड़ी है वो सेट हो जाएगी, और ओदे सेट होंदिया फिर जेड़ा सारे चक्रा जड़े हैगे ने वो खुल जाएंगे, वो ध्यान जेड़ा है उद्गामी हो जाएगा और ऊपर वह चलना लगेगा, और दसम द्वार तक पहुँच के जेड़ा मनुख दा वो हैगा कि दसम द्वार तक ध्यान नू पहुँचा के उत्थे बैठिया जाए ते शांति प्राप्त कीती जाए, समाधि नू लगया जाए। ये जड़ी गुरु साहब ने टेक्निक दसी है, ये आदि तो सच है, जुगादि तो सच है, और जुगा जुगा तक सच ही रहेगी। इस सच्ची टेक्निक नू प्राप्त करने वास्ते कई कई जन्म लग जाते ने, लेकिन गुरु साहब की जड़ी है गिफ्ट है, ये बहुत ही अनोखी है सिखा वास्ते। लेकिन इस नू करण दी विधि वो जड़ी है एकदम वैज्ञानिक आधार पर है, आपां नू किस तरह करना। वाह, हे, थोड़ा जहा इत्थे हे आण तो बाद थोड़ा जहा पॉज देना, थोड़ा जहा रुकना हैगा, उस तो बाद गुरु जेड़ा इनहेल करना है अंदर, वो गुरु जब इनहेल करांगे उदे विच टाइम जेड़ा घट लगेगा, किस तो घट लगेगा जेड़ा असी एक्सहेल कीता है। वाह, हे, गुरु में अंदर साह जेड़ा ना अंदर चला गया, और उससे वेले गुरु का उच्चारण मैं कर लिया, तो गुरु विच जेड़ा अद्धा टाइम लग गया, वाह हे विच डबल टाइम लग रहा है, वही सानू चाहिदा है वेगल टोन नू सेटअप करन वास्ते। और ये जड़ी टेक्निक है ये बहुत पुरानी है, आपां नू ध्यान की रखना है कि जब मैं वाह हे, फिर थोड़ी देर रुकना है, फिर अंदर सा जाएगा, सा जिस तरह अंदर जाएगा तो मैं मन विच ही गुरु बोलांगा, और इसका फिर साइक्लिक ऑर्डर जेड़ा है वो चलाना है, और वो चलता रहेगा। वाह हे, वाह हे, मैं थोड़ी देर वाहे बोलने तो बाद थोड़ी देर रुकदा, उसनू पॉज आखदा, लेकिन वो पॉज दे टाइम जेड़ा है ना सुरत बदलती है, पहले मैं साह अंदर ले रहा सी, सुरत बदलेगी फिर जेड़ा साह बाहर आएगा। ये टाइम पीरियड नू बहुत चंगी तरह समझना है, यही सुरत जड़ी है उत्ते जाण दा एक समय हैगा, सुरत उत्ते कद जाएगी दसम द्वार वाले पासे, जब न्यूट्रल ते असी रवांगे, न्यूट्रल मतलब साह ना उपर जा रहा ना हेठा आ रहा है, ना अंदर जा रहा ना बाहर आ रहा, उदे विचकारला देड़ा टाइम है उसनू मैं न्यूट्रल आख रहा, वो न्यूट्रल टाइम जितना लंबा होएगा उतना सूरत उत्ते चढ़न का समय उसनू मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत प्रैक्टिस करण तो बाद जड़ा है वेगल टोन भी सेट हो जाएगी, सूरत जड़ी है वो वेगल वेगस नर्व विच ही रहिंदी है, और वेगस नर्व दे हिलण डुलण और उदे ए मंत्रा चांट करण नाल वेगस नर्व जड़ी है वो मिड ब्रेन नाल कनेक्टेड है, जेड़ा कि दसम द्वार दे नेड़े ही है, उस पासे जेड़े वाइब्रेशन जब जाणगे उत्तों दे जेड़े रिसेप्टर ट्रांसमिटर है न्यूरो ट्रांसमिटर, वो अपनी एनर्जी जेड़ी है छड़नी शुरू कर देंगे, लेफ्ट ब्रेन तो जेड़ा है एनर्जी राइट ब्रेन वाले पासे जाण लगेगी, जब राइट ब्रेन भी पूरा बैलेंस हो जाएगा तो एनर्जी जेड़ी सेंटरले वाले पासे विच केंद्रित होनी शुरू हो जाएगी, उसनू दसम द्वार आखदे ने। जिस जिस तरह दसम द्वार पे वो एनर्जी केंद्रित होनी शुरू हो जाएगी तो कुछ ठंडक जी महसूस होएगी उस पॉइंट पे, और हौली हौली जड़ी ठंडक है
वो बद्दी जाएगी या इस तरह कुलबुलाहट जी महसूस होएगी, लेकिन ठंडक जरूर रहेगी। उसे नू अमृत आखते ने। अमृत की वर्खा जड़ी पहले थोड़े थोड़ी होएगी, लेकिन बाद में जड़ी है वो बद्दी जाएगी। ये अनुभव तुसी करो और इस टेक्निक नाल सिमरन करांगे ता जड़ी है सक्सेस हमेशा मिलेगी। लेकिन ध्यान आपां वाह हे नाभी दे उत्ते रखना है कि वाह बोलण ना नाभी थोड़ी अंदर गई, हे बोलण ना थोड़ी नाभी होर अंदर गई। और जब गुरु आपां अंदर ही अंदर उच्चारण कर ले और साह अंदर ले लिया ता जड़ी है नाभी बाहर आएगी। ध्यान नाभी ते लगाना है और जड़ा है उतले पासे की हलचल होएगी वो ऑटोमैटिकली तुहाडे उहदे विच आ जाएगी, मतलब ख्याल विच आ जाएगी। ए सिर दे उत्ते ठंडक और ये वो फील हो रही है वो तुहानू हौली हौली समझ आएगा। नाभी ते ध्यान लगाण नाल एक तरह का इस तरह रहेगा कि जड़ा आपां ध्यान दा सेंटर है या कॉन्शियसनेस दा सेंटर हैगा वो नाभी हैगी। और जड़ा इनर्जी दा उपर चरण दा गल हैगी वो दसम द्वार हैगा। दसम द्वार ते जड़ी है ऊर्ध्वगामी हो जाएगी एनर्जी और जड़ी उत्ते वल चलनी शुरू हो जाएगी। उस पास से उत्ते वल एनर्जी जाएगी। ध्यान जड़ा है अपना नाभी ते रहन नाल पूरी जो है ना ग्रिप रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी और बंदे का स्टेबिलिटी जड़ी है वो ज़्यादा रहेगा। ठंडक महसूस जड़ी है दसम द्वार तक रहेगा और विचकारले जितने भी चक्रा हैगियां ने वो तो एनर्जी हौली हौली उत्ते चढ़ती तुहानू महसूस भी होएगी और तुहानू समझ भी आएगा कि कितों तक चढ़ाई हो गई है एनर्जी दी और किस तरह फीलिंग हो रही है। हर चक्रा भी तुहानू समझ जरूर आएगा। लेकिन सारा काम जेड़ा कॉन्शियसली करना है और दृढ़ होके करना है। नाभि एक ऐसा पॉइंट हैगा जिसनों आपां विकसित करना है। वो सब तो पहले जड़ी है जब बच्चा सीगा तो नाभि तो ही साह लैंदा सी, नाभि तो ही सब कुछ होंदा सीगा। इस करके नाभि कॉन्शियसनेस दा और पूरे यूनिवर्स दा सेंटर पॉइंट हैगा। ये सेंटर यूनिवर्स दे सेंटर नाल मिल जाएगा, सेंटर टू सेंटर मिलाप होएगा। पूरी एनर्जी जड़ी इस पास से आएगी अमृत रस और उत्ते चढ़ेगा। ये हौली हौली आप जिन्हों समझ आएगा, आप प्रैक्टिकली करो, वेखो, समझो ता मेरी गल नू मनो। जब तुहानू समझ आ जाएगा करण ते ये मनुख ने ठीक दसी टैक्निक ता होर लोगों नू वंडो और दसो। गुरु साहब यही टैक्निक दस के गए ने, करके देखण ते पता लगता है, समझ आता है, ता ही बंदा जड़ा है ऊपर चढ़ना शुरू होता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।